समस्तंकु शुभ दिन कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती मु आशा करूछि कि तुमको जहाँ सिखा जायतिला ताहा सबु तुमे माने मने रखिछो। एही अध्यायटी तुमरो अभ्यास क्लास अटे जेमिति कि तुमे माने समस्ते जानिछो कि क्लास रो प्रथम दिन रे आमे किछि नुआ सिखि थाउ एवं अन्य दिन गुड़ी करे आमे जहाँ सिखी थाउ ताहार अभ्यास करी थाउ। तुमे जहाँ सिखी छो ताहा राइटर रो बहुत गुरुत्वपूर्ण भाग अटे एवं तुमे एहाकु परे तुमरो ऑफिस कामरे व्यवहार करी परिबो। आउ जहाँ सबु तुमे सिखिबो ताहा मध्य तुमरो दरकारी अटे। तेबे आसो आजिरो क्लास आरंभ करिबा पूर्वरु किछि अभ्यास करिनेबा। कौन तुमे कही पारिबो आमे अलाइनमेंट कौन पाई व्यवहार करू? तुम पेज अनुसारे टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ को रखिबा पाई तुमे अलाइनमेंट को व्यवहार करी थाओ। तुमे तुमरो टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ को पेज रो बामो डाहाणो किंबा मझीरे रखी पारिबो। अलाइनमेंट गुड़ी को केते प्रकार अछि? अलाइनमेंट चारि प्रकार अछि। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एवं जस्टिफाई अलाइनमेंट। आमे फॉन्ट कलर काहीं की व्यवहार करी थाउ? तुमे फॉन्ट कलर को व्यवहार करी तुमरो टेक्स्ट रो कलर को चेंज करी परिबो। हाइलाइटिंग कलर एवं बैकग्राउंड कलर मध्यरे पार्थक्य कौन कही पारिबो कि? हाइलाइटिंग कलर रो व्यवहार द्वारा आमे आमर टेक्स्ट रो पछरे कलर पाई परि थाउ। जेते बेले हाइलाइटिंग कलर व्यवहार करा जाय थाए तुमे सिलेक्ट करिथिबा टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ रो पछरे कलर होई जाय थाए। किंतु जेते बेले तुमे बैकग्राउंड कलर व्यवहार करिबो तेबे संपूर्ण लाइन किंबा संपूर्ण पाराग्राफ रो पछरे कलर होई जिवो। बैकग्राउंड कलर व्यवहार करिबा समय रे आमे आमर कर्सर को गोटिए लाइन किंबा गोटिए पाराग्राफ रो जेउ जागा रे रखिथाउ सेही भाग रो पछरे कलर होई जाय थाए। टेक्स्ट को बोल्ड करिबा पई शॉर्टकट कमांड कौन एवं आमे बोल्ड ऑप्शन को व्यवहार कले कौन होई थाए? बोल्ड रो शॉर्टकट कमांड हेउची कंट्रोल प्लस बी बटन एवं बोल्ड ऑप्शन को व्यवहार कले आमे आमर टेक्स्ट को मोटा एवं गाढ़ा करी परी थाउ। इटालिक रो शॉर्टकट कमांड कौन? इटालिक रो शॉर्टकट कमांड हेउची कंट्रोल प्लस आई बटन। एबे तुमे माने समस्ते तुमरो कंप्यूटर को ऑन करो एवं सेथिरे राइटर फाइल को ओपन करो। जदि तुमको फाइल ओपन करिया पई किछि असुविधा हेउची तेबे तुमे एही वीडियो रो सहाय्य नै परिबो। एबे आमे ओपन ऑफिस को ओपन करिवा पई आउ गोटे माध्यम सिखिबा। एथिपाई तुम डेस्कटॉप रे थिबा ओपन ऑफिस फाइल टी को देखो एवं एहा को ओपन करिया पई वीडियो रे देखा जेतिया भली निजरा पॉइंटर किंबा कर्सर को एहा पाखो को नै डबल क्लिक एहा उपरे करो। एहा द्वारा तुम आगरे गोटे विंडो आसीबो जेउथिरे तुमे ओपन ऑफिस रो विभिन्न कंपोनेंट्स गुड़ी को देखी परिबो। एहा को क्विक स्टार्ट विंडो कहा जाए एवं एथिरे थिबा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को गोटिए थरो क्लिक करो। एहा द्वारा ओपन ऑफिस राइटर रो पेज ओपन होई जिवो। तेबे आसो जानिबा आजिरो क्लास रे आमे कौन सिखिबा को जाउछु। आजि तुमे समस्ते प्रथमे टाइपिंग करिबो एवं तापरे फॉर्मेटिंग टूलबार साहाज्य रे तुमे सेठारे
थिबा विभिन्न प्रकार ऑप्शन गुड़िकर अभ्यास करिबो जेपरी एलाइनमेंट लेखार स्टाइल चेंज करिबा साइज चेंज करी एहाकु बड़ किंबा छोट करिबा टेक्स्ट रो कलर चेंज करिबा बोल्ड इटालिक अंडरलाइन इत्यादि। तुम्हें समस्ते राइटर फाइल को ओपन करिदेल कि जदि तुम्हें फाइल ओपन करी पारु ना तेबे एही वीडियो को आउ थरे देख। एबे आस आजिरो अध्याय आरंभ करिबा। एबे तुम आगरे दिया जाइथियो पाराग्राफ को देख एवं तुमरो राइटर पेज रे ताहा टाइप कर। एहा करिबा परे फॉर्मेटिंग ऑप्शन गुड़ी को गोटिए परे गोटिए अभ्यास कर जेउपरि तुमको कुहा जाइछि। तुम्हें पाराग्राफ को टाइपिंग करि देलो कि एबे आसो प्रथमे एलाइनमेंट रो अभ्यास करिबा। तुम्हें समस्ते तुम्हें टाइप करिथिबा लाइन रे एलाइनमेंट सेट कर एवं अलगा अलगा एलाइनमेंट ऑप्शन रे कौन हेउछि ताहा जणाओ। एबे पुणी थरे तुम्हे समस्ते एही वीडियो को ध्यान दे देखो एवं एलाइनमेंट विषय रे अधिक सीख। एबे एही वीडियो द्वारा आमे एलाइनमेंट विषय रे सीखिबा। राइटर फाइल रे लेफ्ट अलाइनमेंट पूर्वरु सिलेक्ट होई रही था। एहर अर्थ आमे जत्ते बड़े टाइप करिबा आरंभ करिबा आमरो लेखा गुड़ी को बामरु आरंभ हेबो जेउ भली तुम्हें वीडियो रे देखी पारुछो एवं तुम्हें लेफ्ट अलाइनमेंट को टाइपिंग करिबा पूर्वरु किंबा टाइपिंग करिबा परे मध्यम सिलेक्ट करि परिबो। लेफ्ट अलाइनमेंट द्वारा तुम्हें तुमरो लेखा गुड़ी को बामो पट को आनी परिबो। एबे आमे सेंटर अलाइनमेंट विषय रे सिखिबा। एथिपाई तुम्हें तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार पाखो को नेकि जाओ जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन को गोटे थरो सिलेक्ट करो। सेंटर अलाइनमेंट द्वारा तुमरो लेखा गुड़ी को मझी को आनी परिबो किंबा मझीरु लेखिबा आरंभ करि परिबो जो भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। सेंटर अलाइनमेंट को मध्य तुम्हें लेखिबा पूर्वरु किंबा लेखिबा परे व्यवहार करि परिबो। एबे आमे राइट अलाइनमेंट विषय रे सिखिबा। एथिपई तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार रे थिबा राइट अलाइनमेंट ऑप्शन को नेकि जाओ एवं वीडियो रे देखाइथे भली गोटे थरो ताहा को क्लिक कर। एहा द्वारा तुमरो लेखा गुड़ी को डाहाण पाखो को आसी जिवो किंबा तुम्हें डाहाण पाखरु लेखिबा आरंभ करि परिबो जेउ भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। राइट अलाइनमेंट को मध्य तुम्हें टाइपिंग करिबा पूर्वरु किंबा टाइपिंग करिबा परे व्यवहार करि परिबो। एबे आमे जस्टिफाई अलाइनमेंट विषय रे सिखिबा। जस्टिफाई अलाइनमेंट द्वारा तुम्हें तुमरो लाइन किंबा पाराग्राफ को एका भली करि परि थाओ। एथिपई तुमरो लाइन गुड़ी को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि तापरे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑप्शन को नै गोटे थरो क्लिक कर। एहा द्वारा तुमरो सबु लाइन गुड़ी को एका भली होई जिवो जो भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो अर्थात तुमरो लाइन गुड़ी को बामो पाखो को आसी जिवो। एही परि भाबरे तुम्हें अलाइनमेंट ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। तेबे कौन तुम्हें समस्ते अलाइनमेंट किपरि करंती ता सिखिगलो। एबे आसो फॉन्ट कलर विषय रे सिखिबा। एबे तुम्हें समस्ते तुमको सिखा जाइथिबा माध्यम द्वारा गोटिए लाइन को सिलेक्ट कर। तुमको गोटिए लाइन को पूर्वरु सिखा जाइथिबा माध्यम रे सिलेक्ट करबा को हेबो एवं ता परे फॉन्ट कलर ऑप्शन को व्यवहार करी सही लाइन रो टेक्स्ट रो कलर को चेंज करो। तुमरो फॉन्ट कलर चेंज होई जाइछि कि नाही
तुमर शिक्षकंकु जणाओ जदि किछि असुविधा हेउछि तेबे वीडियो को पुनर्बार देखो एवं सिखो। एबे तुमे लेखितिबा पाराग्राफर फॉन्ट कलर को चेंज करिवा पई प्रथमे लाइन को सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। तुमे जेते पर्यंत चाहूचो तुमे चाहूतिबा संपूर्ण लाइन को सिलेक्ट करो प्रथमे एही परि भाबरे तुमे लाइन को सिलेक्ट करि परिबो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। एबे फॉन्ट कलर को चेंज करिया पई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार रे फॉन्ट कलर ऑप्शन पाख को नियो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं सेठारे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स आसीबो जेउतिरे अनेक गुडे कलर थिबो सेथि मध्यरो तुम्हें गोटे कलर सिलेक्ट करो एवं ताकू गोटे थर क्लिक करो। तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा फॉन्ट रो कलर चेंज हो जाइछि। एबे तुम्हें समस्ते परवर्ती लाइन को सिलेक्ट करो एवं हाइलाइटिंग कलर ऑप्शन द्वारा सिलेक्ट करिथिबा लाइन को हाइलाइट करो। जदि जो माने तुम मध्यरु गोटे लाइन किंबा पाराग्राफ को किपरि हाइलाइट करा जाए जानि नाह तेबे ई वीडियो को देखो आउ एहा किपरि करा जाए ताहा सिखो एवं ता परे तुमे सिलेक्ट करिथिबा लाइन को हाइलाइट करो। एबे तुम्हारा पाराग्राफ किंबा लाइन को हाइलाइट करिवा पई प्रथमे एहा को सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखि पारुछ तुमे चाहुतिबा लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो जहा को तुमे हाइलाइट करिया पई चाहुछ। एही भली भाबरे तुमे तुमरो पाराग्राफ किंबा लाइन को हाइलाइट करिया पई सिलेक्ट करि परिबो। प्रथमे एहा परे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बार रे थिबा हाइलाइट ऑप्शन पाखो को नियो एवं ड्रॉप डाउन आइकन को कोटिया थरो क्लिक करो। जेउ भली वीडियो रे देखि पारुछो एवं तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउ थिरे अनेक गुडिए कलर आसीबो सेथि मध्यरु तुमे गोटे कलर को सिलेक्ट करो एवं एहा को क्लिक करो। तुमे देखि पारिबो तुमरो टेक्स्ट रो पछरे सही कलर टी आसी जाइछि अर्थात तुमरो टेक्स्ट हाइलाइट हो जाइछि। एही परि भाबरे तुमे हाइलाइटिंग कलर को व्यवहार करि पारिबो। एही चित्र रे गोटे आइकन को बॉक्स भितरे देखा जाइछि तुमे कहि पारिबो एहा को कोन कहा जाय एहा बैकग्राउंड कलर रो आइकन अटे एवं एहा को व्यवहार करी तुमे बैकग्राउंड कलर को चेंज करी परिबो। ता परे गोटिए लाइन को सिलेक्ट करो एवं एही बैकग्राउंड कलर ऑप्शन को व्यवहार करी कलर को चेंज करो एवं कुह एही ऑप्शन को व्यवहार कले कौन हेउची। मने रखिबो कि तुमे टेक्स्ट को सिलेक्ट करी किंबा सिलेक्ट न करी मध्य टेक्स्ट रो बैकग्राउंड कलर को चेंज करी परिबो। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तबे एही वीडियो को देखो एवं बैकग्राउंड कलर किपरि चेंज करा जाए ताहा सिखो। एबे तुमे चाहुतिबा लाइन किंबा पाराग्राफ रो बैकग्राउंड कलर को चेंज करिया पई प्रथमे तुमे चाहुतिबा लाइन किंबा पाराग्राफ उपरे निजर कर्सर को रख एवं ता परे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को
ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ର ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କଲର୍କୁ ବାଛ ଏବଂ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ର ଆଗରେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଅ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିପାରିନାହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖ। ଏବେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବରକୁ କିପରି ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟିଂ ବାର୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଲାଇନ୍ର ଶେଷକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବୁଲେଟ୍କୁ କିପରି ଇନସର୍ଟ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ସର୍କୁ ରଖ ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମାଟିଂ ବାର୍କୁ ଯାଇ ବୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି ତୁମର ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ବୁଲେଟ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଶେଷକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍ ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ବୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ନମ୍ବର ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଫର୍ମାଟିଂ ବାର୍ର ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସନ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିପରି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଦେଖାଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଶିଖ। ଏବେ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଫଣ୍ଟ ନେମ୍କୁ କିପରି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶିଖ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯାହାର ଫଣ୍ଟ ନେମ୍ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ତୁମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟିଂ ବାର୍ରେ ଥିବା ଫଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଟ ନେମ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଟ ନେମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ୍ର ଫଣ୍ଟ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍କୁ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ତାପରେ ତାହାକୁ କମାଅ, ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ ଏବଂ ଶିଖ। ଏବେ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏହାପରେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟିଂ ବାର୍ରେ ଥିବା ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ୍
किंबा पाराग्राफ रो साइज किंबा पाराग्राफ रो फॉन्ट रो साइज बड़ होई जाइछि। एबे परवर्ती लाइन को बोल्ड करो। जदी किछि असुविधा हेउछि तेबे वीडियो को देखो एवं सीखो। एबे फॉन्ट को किपरि बोल्ड करा जाए ता सिखिबा। एथिपई तुम्हारा लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। तापर निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा बोल्ड ऑप्शन पाख को नियो एवं एहा को गोटे थरो सिलेक्ट करो। एहा द्वारा तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन किंबा पाराग्राफ रो फॉन्ट गुडी को बोल्ड होई जिवो अर्थात गाढ़ा किंबा मोटा होई जिवो। तापर लाइन गुडी को टेक्स्ट को इटालिक को चेंज करो। एथिपई जदि किछि असुविधा हेउछि तेबे वीडियो को आउ थरे देखो एवं सिखो। एबे लाइन किंबा पाराग्राफ रो टेक्स्ट को किपरि इटालिक करा जाए ता सिखिबा। एथिपई प्रथमे तुम्हें चाहुतिबा लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। तापरे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा इटालिक ऑप्शन पाख को नियो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं एहा को गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा टेक्स्ट गुड़िक इटालिक होई जाइछि। तापरे आमे चाहुतिबा टेक्स्ट को किपरि अंडरलाइन करिबा ताहार अभ्यास करो एवं जदि किछि असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सीख। एबे पाराग्राफ थिबा लाइन तले किपरि गार दिया जाए अर्थात अंडरलाइन करा जाए ताहा सिखिबा। एथिपई प्रथमे पाराग्राफ किंबा लाइन को सिलेक्ट करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। तापरे निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेटिंग बारे थिबा अंडरलाइन ऑप्शन पाख को नियो एवं एहा को गोटे थरो क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो लाइन लो तले अंडरलाइन होई जाइछि। तुम्हें एही ऑप्शन गुड़ी को टाइप करिया पूर्वरु किंबा टाइप करिया परे व्यवहार करि पारिबो। एबे आमे आजिरो क्लास को शेष करिबा। तुम्हें समस्ते निजर फाइल को बंद करो एवं जदि तुमको किसी असुविधा होउछि फाइल को बंद करिबा पई तेबे एही वीडियो को देखो एवं सीखो। एबे राइटर फाइल को किपरि क्लोज करा जाए एही वीडियो देखि सीखिबा। एथिपई निजर कर्सर किंबा पॉइंटर को क्रॉस बटन पाख को नेकि जाओ जहाँ को क्लोज बटन कहा जाए जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं एहा को गोटे थर क्लिक करो। एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स आसीबो जेउथिरे तीनोटी ऑप्शन थाए सेव डिस्कार्ड एवं कैंसिल। आमे आज आमर फाइल को सेव करिबा नाही तेणु तुम्हें डिस्कार्ड ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो। एहा द्वारा तुम्हारा फाइल क्लोज होई जिवो। तापरे कंप्यूटर को शटडाउन करो। आजिरो क्लास रे तुम्हें समस्ते फॉर्मेटिंग बार रो समस्त ऑप्शन गुड़िक विषय रे सिखिलो जेपरी फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज बोल्ड इटालिक अंडरलाइन एलाइनमेंट फॉन्ट कलर हाइलाइटिंग कलर बैकग्राउंड कलर इत्यादि एवं एहा सह तुम्हें अध्यायर अभ्यास मध्य कलो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।